सो गल आप हूँ आस्ट्रेलिया की करन जा रहे हैं। जिहड़ा साडा पंजाब ते हरियाणा का स्टूडेंट है वह जो चिंता विच हुंदा सी नाल दी नाल वीडियोज़ के जरिए उन्हां कोल राइट इनफॉर्मेशन लैके हाजिर हो जाने। सो अज आप गल जरूर यह करन जा रहे हैं कि स्टूडेंट जिहड़ा पंजाब ते हरियाणा का स्पैशली पंजाब हरियाणा स्टेट बोर्ड तो उन्होंने अपनी पढ़ाई की है उन्होंने कीड़ियां चंगियां यूनिवर्सिटीज़ ने जिहड़ियां तुहाडे फेवरेट ने जिहड़ियां तुहानू एडमिशन दे रही हैं। सिर्फ एडमिशन नहीं दे रही हैं, तुहाडा सारा प्रोसैस टाइमली करते हुए तुहानू वीज़ा भी दे रही हैं। सो ये कुछ खास गल्लां और स्टूडेंट्स नू इन्हां गल्लां दा ध्यान रखते हुए ही अगे वधना चाहिदा है ताकि तुसी अपने फ्यूचर नू भी वधिया ढंग नाल सिक्योर कर सको, वधिया सैटलमेंट कर सको। बहुत खास गल्लां अज आपां तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा सारयां दा, मैं हाँ हरजोत कौर ते अज खास इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे जी टी वीज़ा तो अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर मिस्टर सुभाष जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो सुभाष जी जरूर इतने आप अपने पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स की गल करिए, तुहाडे कोल भी अक्सर सवाल ये रहिंदा ही होना स्टूडेंट्स आ कि असी हुण किहड़ियां यूनिवर्सिटीज़ विच अप्लाई करिए, कित्थे साडा सारा प्रोसैस टाइमली हो सकता है। तुसी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो उहदी सिलेक्शन नूं लैके की कहना चाहोगे स्टूडेंट्स नूं? जी बिल्कुल ना, मैं नॉमिनली जे बैक डेट्स दे विच दिखा ते जदों भी स्टूडेंट्स नूं ना मैं खुद परसनली इंटरैक्ट किया है, जदों भी आस्ट्रेलिया की क्वेरी लैके आते ना तो बट उन्होंने दिमाग दे विच एक की डर बैठ गया कि यार आस्ट्रेलिया ने आपां नूं वीज़ा नहीं देना जी। पता नहीं देखो सत्त बैंड वाला बच्चा भी डर रहा है तो बाकियों का की हाल होगा। एक्चुअली कंसर्न की हैगा इस टाइम आस्ट्रेलिया ने जिवें पंजाब हरियाणा का बच्चा लेना बंद कर दिता, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने लैवल वन के कॉलेज यूनिज़ ने, सो इहदे नाल की हो गया कि अपने को जिहड़े ऑप्शनस हैगे घट गए है, बहुत लिमिटेड गिने चुनी यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं कि जिहदे विच आपां अप्लाई कर सकते हैं। हुण एक चीज़ वेखो, पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो कि पहले साढ़े को 20 ऑप्शन से, हुण ऑप्शन अपने को रह गए 5, बट क्राउड बच्चा फ्रैश पास आउट सेम उन्ना ही है। हुण एक्चुअली की हैगा कि आस्ट्रेलिया का जिहड़ा लूप होल मेजर ये हैगा कि आस्ट्रेलिया दे पहले ना जिवें आपां कहिंदे हुंदे सी अज तो 3-4 महीने पहले कि यार आस्ट्रेलिया की जी टी क्लीयर है, तुहाडा वीज़ा क्लीयर है जी जी। बट राइट नाउ तुहाडी जी टी भी क्लीयर हैगी है, जब तक डिसीजन तुहाडे फेवर च नहीं आउंदा तद तक बच्चा प्लस एजेंट उस रिजल्ट नूं असैप्ट नहीं करता। हुण एक्चुअली गल ये हैगी है कि जे आपां ने आस्ट्रेलिया करना जिद्दां आपां पंजाबी च कहिंदे चलो यार 19-21 होगी आपां चल पैंदे आ, बट आस्ट्रेलिया दे विच जे उस वीज़ा ऑफिसर की जां कह लो उत्थों दी हाई कमीशन की तुहाडी 500 सब क्लास दे विच जे डिमांड 20 दी है, ना असी 19 करनी है ना असी 21 करनी है। जो पी ओ वी अज के टाइम तो बहुत एक होट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू नू जे आपां अहमियत दिंदे आ, जो गोरियां ने कह लो कि जो उत्थों दी हाई कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयरस ने जे 20 का पॉइंट सिस्टम रखिया तो आपां 20 तक ही जाना। हुण जिवें आपां गल कीती है कि यूनिवर्सिटी सिलैक्शन कोर्स सिलैक्शन बिकॉज वो टाइम गया कि आर्ट्स वाला बच्चा सी होस्पिटैलिटी दे दो वीज़ा, अच्छा जी कमर्स की हुई है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, अच्छा नॉन मेडिकल आईटी दे दो। हुण इवें नहीं है, हुण एक्चुअली की है टेक्निकलिटी इस प्रोसैस दे विच वध गई है जिहदे नाल हुण तुहाडा जिहड़ा एडमिशन का पार्ट बहुत ज़्यादा हुण मतलब कह लो कि एक एजेंट भी पढ़िया लिखिया टाइमली जो जिहड़े अपडेट्स आ रहे हैं उहदे टच विच रहे, बिकॉज आपां पहले की करदे सी नॉन मेडिकल का स्टूडेंट आ आई टी दे दो, पर बट हेयरज़ अ नंबर ऑफ कोर्सिज जो चेंज हो गया बिकॉज हुण ना अज का टाइम यह नहीं रह गया कि तेरे 7 बैंड आ तां वीज़ा, तेरे 6 बैंड आ तां वीज़ा, जां तेरे को 50 लाख के फंड 3 महीने पुराने पे आ तां वीज़ा, नैवर एवर। हुण एक्चुअली की हो गया आस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने जो वीज़ा स्लैब है एक कोर्स की अहमियत, बिकॉज मैं वेखदा जिवें बहुत सारे कोर्सिज है रोबोटिक्स दे है एरोनोटिक्स दे है ब्लॉक चेन दे है सप्लाई चेन दे है, बिकॉज ये सारे प्रोग्राम एक टैक्निकली बैकग्राउंड के नाल है एग्जाम्पल के तौर पर। सो मैं यही कहना चाहना कि बिकॉज आपां खूह दा डड्डू खूह तक ना रहे इस करके असी जिहड़ा प्रोसैस नूं टाइमली कहिंदे ने इक जुके एक जगह रुकिया पानी भी खराब हो जाता या स्मैल करना पैंदा है, सो दैट्स वाई आस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने बड़े बिकॉज उहदा सीधा एक फंडा है कि आपां पहले कहिंदे ना कि हर एक नूं वीज़ा दिंदा सी जी 5 बैंड ते एली ते भी वीज़े दित्ते, हुण उहनां दा मकसद यह है कि असी सिर्फ उस बच्चे नूं वीज़ा देना है जिहदा वाकई इंटेंशन स्टडी करन दा है, जेन्युइन प्रोफाइल होएगी, बिकॉज एक्चुअली जिहड़े आस्ट्रेलिया दे हालात होए ना ये असी लोग ही इन्हां दे जिम्मेवार हाँ, बिकॉज रीज़न की रहा कि जदों हवा चल गई अफवाहां हो गई जी पैकेज जी पैकेज चक्को जी सारे पैसे वीज़ा तो बाद सिर्फ तुसीं एम्बैसी फीस भरनी है। हुण उहदे विच की हुंदा सी अंबैसी फीस तां बच्चा दे रहा बट बच्चे नूं नहीं पता उहदी परसेंटेज तां 55
एजेंट ने जी 85 की है वो बैंड चा 2 चो 5.5 है उत्थे तो 6.5 बोले गए है। अच्छा जी वह गैप ज़्यादा सी वो तो डिग्री बनी हुई है बिकॉज ये सारिया चीज़ा ने इस टाइम अपन इंडियंस खास करके पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स न उस लूप होल से खड़ा कर दिता है कि जिथे ना असी हूँ अगे जा सकते ना पिछे मुड़ सकते हैं बिकॉज आस्ट्रेलिया असं जाना चाहते हैं जो बिकॉज आस्ट्रेलिया इज़ द ब्रांड बिकॉज इस टाइम जो आप जो मेजर अब्रोड स्टडीज़ की कंट्री है आस्ट्रेलिया नंबर एक है हूँ ना उतो असी पिछे आने देख रहे हैं ना असी गाह जा रहे हैं बिकॉज इस टाइम बहुत सहमिया हुआ माहौल है पर बट फिर भी मैं स्टूडेंट्स एक मैसेज देना चाहता कि तुसी जो अपना केस अपलाई करते हो टाइमली जो इस टाइम इमीग्रेसन की एक्चुअल डिमांड है कि सब तो इंपोर्टेंट एडमिशन मैं आलवेज़ हर एक कंट्री के यही कहना कि तुहाडे वीज़ा का जो की पॉइंट है ना तुहाडी एडमिशन है जिनी तुहाडी एडमिशन सोलिड होएगी मेजरली देखो जो तुहाडा कोर्स है वो उत्थों की पी आर लिस्ट में है क्रैडिट किन्ने है फीस स्ट्रक्चर है बहुत सारिया चीज़ा जे सारिया चीज़ों तुसी एम ए दोगे दैन कल तुहाडा जी टी प्रोसैस ईजी होगा वीज़ा रिजल्ट तुहाडे फेवर च आणगे सो ये सब चीज़ों ध्यान च रख के ही आप आस्ट्रेलिया का वीज़ा हूँ लै सकते हैं। ठीक है नवंबर इनटेक लिए हले किन्ने कु टाइम आप कह सकते हैं बचा या नहीं हुण होर समा नहीं बचा देखो जी जो मेजर इनटेक हैगा मैं नवंबर और जैन दोनों कंबाइन च ही काउंट करता रीज़न की है कि जुलाई खत्म हो गया अगस्त चढ़ गया तो ये की हैगा कि जी टी प्रोसैस के थोड़ा डिले होगा हाँ जिंदे को पेपर वर्क कंप्लीट है तो नवंबर ही मेजर इनटेक है। जी 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 ठीक है जी टी दी तुसी गल कीती है तो हुण ताज़ा की ट्रेंड चल रहा है टाइमली क्लीयर हो रही है या डिले चल रहा है। देखो ऑलवेज मेरा यही आंसर हुंदा है कि जी टी जो हैगी है कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं है कि यार हर एक बंदे दी 3 महीने च ही होनी है या हर एक बंदे दी हफ्ते च ही होनी है जी टी डिपेंड करेगी कि तुहाडे पेपर्स दे विच जो तुसी जी टी दे भेजे है उहदे च ट्रांसपेरेंसी किन्नी है किन्नी की ट्रांसपेरेंसी नाल तुहाडे उस एजेंट ने रिप्रेजेंट किया है किन्नी की ट्रांसपेरेंसी दे नाल ओह तुहाडा पेपर ऑथेंटिकेट सी ईजली वेरीफाई हो गया बिकॉज हुण 2-3 दिन दे विच भी जी टी क्लीयर हुई है वीक च भी जी टी क्लीयर हुई है और किसी दे 4-4 महीने हो गए इनटेक भी अगे डैफर हो गया पर जी टी क्लीयर नहीं हुई सो जी टी दे विच मेरा तो यही मनना जब तक मेरे को पूरा पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है तो मैं जी टी ना भेजा बिकॉज वो लूप होल कितना कितने रहा है असं अद्धे पेपर भेज दें अद्धे रह जाते हैं वो की है कि जी टी अपनी फिर अंबैसी कह लो कि कोई यूनिवर्सिटी बार बार थोड़े को पेपर मंगती है तो जिद अपना जो जी टी का इफेक्ट नैगेटिव हो जाता जिस करके अपनी जी टी नहीं क्लीयर होंगी सो जी टी ओवरऑल जो मैं क्रक्स देवा तो जी टी का क्रक्स ये है कि जो जी टी के फाइनैशियल सोर्सिज है एस ओ पी है इंटरव्यू है फंडस है इन्हों प्रोपर विद एविडेंसली जो तुम भेजोगे जो थोड़े फंडस थोड़ी सोर्स ऑफ इनकम ना मैच कर रहे हैं तुहाडे को प्रोपर वो ओरिजन हैगी है एस ओ पी के प्रोपर तुम डिटेल वाइज दिता होया है और बच्चे सब तो इंपोर्टेंट कि इंटरव्यू के सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन सोर्स ऑफ ओरिजन का पता है तो मैं मैक्सीम कहना कि जी टी थोड़ी 10-15 दिन क्लीयर हो जूगी। ठीक है बिल्कुल तो बहुत चंगे ढंग कई खास पॉइंट स्टूडेंट्स डिस्कस किए हैं आई होप कि स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ नवं जानने जरूर मिलया होगा बाकी अपना कोई सवाल है तो इस नंबर पर कॉल करके होर जानकारी जरूर ले सकते हो कमेंट सैक्शन में भी अपने सवाल साढ़े सांझे कर सकते हो बहुत बहुत थैंक्स सुभाष जी तुम ढेर सारी जानकारी अज इस वीडियो के जरिए स्टूडेंट्स शेयर की है तो अगों भी असं स्टूडेंट्स लिए होर इनफोरमेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे फिलहाल अज लिए सानू दिओ जी इजाजत थैंक यू सो मच।